Assalamu alaikum students, this is Arbab Safdar Jafri. I welcome you all to Speedy Learning Management System. Students, आज जो हम definition discuss करने जा रहे हैं वो है value index number. Value index number क्या होता है? The percentage ratio of total value during the given year to the total value during the base year is called as value index number. स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन से इसके फॉर्मूले को जनरेट करेंगे. सबसे पहले इसने क्या लिखा है, परसेंटेज रेशियो. परसेंटेज को हम कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई 100, रेशियो को हम डिवाइड. टोटल वैल्यू ड्यूरिंग द गिवन ईयर, जो टोटल वैल्यू ड्यूरिंग द गिवन ईयर लिखा. टू द टोटल वैल्यू ड्यूरिंग द बेस ईयर, जो टोटल वैल्यू की इसमें लिखती है ड्यूरिंग द बेस ईयर में. तो ये हमारे पास क्या बन गया, वैल्यू इंडेक्स नंबर. स्टूडेंट्स हमने एक एग्जांपल ली, कैलकुलेट वैल्यू इंडेक्स नंबर इफ सिग्मा पी एन क्यू एन इक्वल 3890, सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इक्वल 2395. तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला था, टोटल वैल्यू ड्यूरिंग द गिवन ईयर एंड द टोटल वैल्यू ड्यूरिंग द बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. स्टूडेंट्स वो कहना ये चाह रहे हैं टोटल वैल्यू ड्यूरिंग द गिवन ईयर मीन्स के जो भी हमारे पास प्राइस और क्वान्टिटीज की वैल्यू होगी वो गिवन में होगी, यानी करंट ईयर में होगी. इसलिए मैंने ऊपर क्या लिख दिया, सिग्मा पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय और टोटल वैल्यू ड्यूरिंग द बेस ईयर, जो टोटल वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में होगी वो बेस ईयर में होगी. इसे मैंने लिख दिया सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाई बाय 100. स्टूडेंट्स अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास वैल्यूज गिवन थी वो मैंने फॉर्मूले के अंदर पुट डाउन किए, तो मेरे पास वैल्यू इंडेक्स नंबर का आंसर आ गया और वो आंसर आया 162.42. थैंक यू स्टूडेंट्स.